माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सर ज्ञान सागर एजुकेशन चैनल से। सबसे पहले तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज मैं क्लास 8, इसके पहले मैं क्लास 7 के लिए पढ़ाया था, जो क्लास 7 में पार्ट 1, 2, 3 पढ़ाया था, अभी अब इसका पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 ये क्लास सिर्फ 8 के लिए, 7 क्लास के लिए नहीं है। यदि आपको समझ में पीछे का आया होगा तो आपके लिए है भी, लेकिन ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मुख्य रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 7 क्लास में पढ़ना था। अभी ये पार्ट 3 और पार्ट 4 8 क्लास में पढ़ना है, 7 क्लास में नहीं पढ़ना। 7 क्लास में पार्ट 1 इस वीडियो का चैप्टर 8, 1 और 2 पार्ट 7 क्लास के लिए था। आज हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अभी क्या है, यहाँ पर सवाल में आप देख रहे होंगे अभी 9/5 है, 4x+1/3x-1=9/5। अब देखिए ऐसा सॉल्व करना है तो तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। 4x+1 हम क्या करेंगे, 3x-1=9/5। तो ये 5 को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कीजिए इससे, 4x+1=9, इसको इससे गुणा करेंगे, 3x-1, ठीक। अभी हम यहां जानने क्या करेंगे, 4x, अब इसको 5 है तो 4 है इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 5 4 तो क्या होगा, 5 × 4 5 चौके 20x, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, 5 एक कम 5, ठीक है, बराबर 9 × 3 9 3 27x, इसका इससे गुना और इसका, आपको ऐसे तीर नहीं मारना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं किया हूँ, 9 3 27x, अब इसका 9 एक कम 9, ठीक है। अभी देखिए एक्स वाला ये समीकरण तो आप पीछे पढ़े, पार्ट 2 में पढ़े आपने, पार्ट 2 पार्ट 3, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो कितना हो गया, +5, ये इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, क्यों, क्यों ये और ये एक समान है, ये वाला और ये वाला एक समान है, तो 27x ये इधर आएगा तो -20x हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, क्योंकि समान चिन्ह है, 27x में से 20x गया 7x, तो x बराबर क्या आपको हो जाएगा, 14/7। अब आपको हो गया, सर आप इधर वाला इधर ले आए थे, अभी आपने इधर वाला इधर कर दिया, ये इसलिए हमने किया कि यहां पर देखिए x है, हमको x का मान निकालना है, तो हमें x का मान चाहिए ना, तो इसके साथ ये लगा हुआ, इसको दूर करेंगे हम, ना कि इसको इधर करेंगे हम, समझ रहे, 7 × 14, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अरे बात समझ में, एक सवाल ये देख लीजिए वापस, वैसे ही है, कुछ और नहीं, मैं सिर्फ 2 समझा रहा हूँ, ऐसा बटा में सवाल है, तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका ऐसे तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, ठीक, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 है, 3x-2=4, 2x-1, इसका इससे गुना करेंगे, 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6, फिर इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, 4 × 8x-4, अब देखिए इसको इससे कर देते, 9x है तो -8x। अब यहाँ सवाल में हम इसको इधर किए थे, ये सवाल हम इसको इधर कर रहे हैं, आप कहीं भी इधर से उधर, उधर से इधर, आप कहीं भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो यह -6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 9 में 8x किया तो x इधर, तो कितना हो जाएगा, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ये प्लस है, माइनस का चिन्ह है तो घटेगा, 4 में से 6 गया 2, और ये प्लस है तो कितना हो गया, दोनों बड़ा प्लस वाला है तो प्लस वाला चिन्ह आपको आएगा। अरे बात सुन, ठीक है,
अभी देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बटे में पांच है, नीचे कुछ नहीं है। जब नीचे कुछ ना हो तो आप अपने मन से एक मान सकते हैं, समझ रहे हैं? नीचे जब कुछ ना हो तो अपने मन से क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। तब इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। ये तो वन इंटू फोर एक्स माइनस वन, इसका इससे गुना करेंगे फाइव इंटू टू एक्स, वन इंटू फोर एक्स, फोर एक्स माइनस वन, पाँच दूनी दस एक्स। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, फ्री हैं आप करने के लिए। तो फोर है फोर एक्स, इधर माइनस दस एक्स बराबर प्लस वन, घट जाएगा कितना हुआ, सिक्स एक्स हो जाएगा बराबर वन। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे में माइनस सिक्स। चलिए अभी इसको देखते हैं हम सवाल को, ये भी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर दो बटे तीन लग गया, तो ऊपर ऊपर ये नीचे नीचे, इसका गुना इससे कर देंगे, इसका गुना इससे कर देंगे, ये गुना इससे, ये गुना इससे, ये गुना इससे, ये गुना इससे। तो दो एकम दो एक्स, तीन दूनी छः, इसका गुना इससे दो एक्स, दो गुना तीन छः बटे में, तीन गुना एक्स तीन एक्स, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले से गुना करेंगे, तीन दूनी छः बराबर आठ बटे नौ। अभी से गुना करेंगे, नौ दूनी अठारह एक्स, या आप ले सकते हैं इसे नाइन इंटू टू एक्स माइनस सिक्स, एट इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स, नौ दूनी अठारह एक्स और नौ छत चौवन, आठ तीया चौबीस एक्स, आठ छः अड़तालीस, इसको उधर इसको उधर, तो यहाँ माइनस चौवन है, कर देंगे तो प्लस फोर्टी एट हो जाएगा। तो चौबीस एक्स है, यहाँ कर देंगे तो माइनस एटीन एक्स हो जाएगा, अब घटाएंगे तो कितना माइनस सिक्स हो जाएगा। अभी चौबीस एक्स में से अट्ठाईस गया कितना हो जाएगा, छः एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस छः अपॉन छः, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन। ये हो गया आंसर, ठीक है। और देखते हैं, एक सवाल और देख लीजिए, अगर टाइप का सवाल है थोड़ा सही। अभी देखिए ये एक समान है, इसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो पाँच एक्स माइनस सिक्स बटे में एट, इधर कर देंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस एट बटे में फाइव बराबर क्या हो जाएगा, वन। इन दोनों को लसर लीजिए, आठ और पाँच लसर कितना हो गया, चालीस होगा ना, आठ पाँच चालीस। अब आठ है पाँच बार पढ़े तो पाँच से गुना करेंगे, फाइव फाइव एक्स माइनस सिक्स, पाँच आठ बार में तो एट इंटू थ्री एक्स माइनस एट बराबर कितना हो गया, वन। अब इसको इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, पपचे पच्चीस एक्स, छ पचे तीस, आठ तीय चौबीस एक्स, अठी अठी चौसठ, चालीस बराबर वन। अभी पच्चीस पच्चीस एक्स में से चौबीस एक्स गया तो एक्स बचा, और तीस में चौसठ गया तो प्लस कितना हो गया, प्लस चौंतीस बटे चालीस बराबर एक। इसको इससे गुना, इसको कुछ नहीं चाहिए हो गया, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, तो वन इंटू एक्स प्लस थर्टी फोर, ठीक है। अभी एक गुने कितना हो गया, चालीस, तो एक गुने एक्स और इधर चौंतीस इधर चालीस, तो एक्स बराबर कितना हो गया, इसको इधर भेज देंगे, चालीस घटाओ कितना हो गया, चौंतीस बराबर छः, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, छः हो गई। अरे बात समझ में, देखिए एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए इसको। मोस्ट रूप से पांच टाइप का सवाल है, अरे बात समझ में। आपके होमवर्क के लिए आप देख सकते हैं, कुल 14 सवाल है, लगभग मैंने हर टाइप का सवाल आपको बता ही दिया, ठीक है। अब रहा देखिए इस सवाल में क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, इन दोनों को अलग से ले कर दें, इसको इधर ले आएंगे, इधर कर दे, बताया मैंने, इसको सबको इधर, इसको इन दोनों को जो हल करके क्रॉस गुना कर देंगे,
यहाँ कुछ नहीं है तो वन डाल देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो वन डाल देंगे, ठीक है। 2.5 है, इसका मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ। टू पॉइंट फाइव का आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।